लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डरली पॉप से कहते हैं कि मेरे ख्याल से अब आपके एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, जिस पर पॉप कहते हैं कि आखिर आप चाहते क्या है। अब एल्डरली कहते हैं कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द मैच्योर हो जाए, जिस पर पॉप कहते हैं कि आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब से वो कैपिटल में आया है वो बहुत ही केयरफुली एक्टिंग कर रहा है। तब एल्डरली पॉप को थैंक यू कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और अब एल्डरली के जाने के बाद वहाँ पर इस पैलेस के एक और एल्डर आते हैं जो पॉप से कहते हैं कि अब टाइम हो चुका है, जिस पर अब पॉप भी अपने कपड़ों को चेंज करते हैं और फिर अपनी पावर से अपने पीछे के वॉल पे एक पोर्टल खोलते हैं और उसी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम इन लोगों को देखते हैं जो कि लुओ से मिलके अब बाहर निकल चुके थे, जहाँ पर ये एल्डर जिन से कहते हैं कि सॉरी हम आप लोगों को ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकते थे, जिस पर एल्डर जिन इन्हें थैंक यू कहते हुए कहते हैं कि नहीं ये टाइम भी हमारे लिए बहुत था। और अब तभी आसमान में एक फियोनिक्स दिखाई पड़ता है, जिसे देख कर तैंग कहता है कि क्या ये फियोनिक्स लेटर है, क्योंकि इस टाइप के हेवनली लेटर को तो केवल इमरजेंसी के वक्त ही यूज किया जाता है, जिस पर एल्डर जिन सारे लोगों को यहाँ से चलने के लिए कहते हैं और उन्हें जाते हुए बताते हैं कि मेरे ख्याल से यहाँ पर ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा आम है। और अब चलते चलते ये लोग ली पैलेस के बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर आसपास के नजारे को देखते हुए सैंग कहता है कि शायद बाकी के स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं क्योंकि ना हमें जाते हुए कोई दिखा और ना ही आते हुए, जिस पर थोड़ा मजाकिया अंदाज में तैंग कहता है कि लगता है कि सारे एकेडमी के लोगों को ये पता चल गया होगा कि आज ली पैलेस में तैंग 36 आने वाला है और इसीलिए आज कोई भी डर के मारे ली पैलेस में आया ही नहीं है। जिस पर जूनियर कहता है कि हाँ मेरी माँ भी कहती है कि ह्यूमंस हमेशा बड़ बोले लोगों से दूर भागते हैं। और अब ये सुनते ही तैंग जूनियर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने तो मेरा मजाक बना के रखा है। और फिर ये दोनों बहुत ही फनी स्टाइल से यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से चिल्लाते हुए झगड़ने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे एकेडमी के डिसाइपल बाहर निकल जाते हैं। और अब ये देखकर जूनियर तैंग से कहता है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होगा, लेकिन पूरा कैपिटल तो यहीं पर उठ के आ गया है, जिस पर तैंग बिना कुछ कहे बस अपने एक स्टाइलिश पोज में खड़ा हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ मौजूद थी वो सारी की सारी बस तैंग को ही देखे जा रही थी और वहाँ पर मौजूद बाकी के डिसाइपल भी बस इन्हीं लोगों को घूरे जा रहे थे, जिसे देख कर सैंग कहता है कि मेरे ख्याल से आज तक ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाया था और यही वजह है कि ये लोग हमें ऐसे घूर रहे हैं। अब एल्डर जिन कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब तो यहाँ पर प्रिंसेस लुओ पहुँच चुकी है और वो जरूर ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का नाम ऊंचा करेगी। और अब एल्डर जिन वहाँ पर मौजूद सारे डिसाइपल से कहते हैं कि आप लोग अपना कंटिन्यू कीजिए, हम लोग तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। और ये कहकर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, जिस पर तैंग को ऐसे जाता देखकर वहाँ पर खड़ी सारी लड़कियाँ बस तैंग के ही बारे में बातें कर रही थी और अपने आप में ही बातें कर करके शर्मा रही थी, जिसे देखकर जूनियर तैंग से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम लड़कियों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो। तब तैंग भी फुल एटीट्यूड में कहता है कि दोस्त अमीर और हैंडसम होना ये मेरी गलती नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ ऐसा ही होता है, सारी लड़कियाँ अपना काम धंधा छोड़ के बस मुझे ही घूरने में लग जाती है। जिस पर जूनियर कहता है कि लेकिन अगर तुम मेरे व्यू से देखो तो फिर तुम तो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हो, जिसे सुनते ही तैंग जूनियर के ऊपर काफी ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारी ये मजाल कि तुमने तैंग 36 को हैंडसम मानने से इनकार किया, जिस पर जूनियर थोड़ा डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं वो मेरे आंखों में कचरा चला गया था, तुम तो इतने ज्यादा हैंडसम हो कि लड़कियां तो लड़कियां वो पेड़ के पीछे से दो लड़के भी तुम्हें छिप के देख रहे हैं। तब तैंग भी वहां से जाते हुए कहता है कि अब ये ठीक है। और पीछे से कुछ लड़के ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि सैंग ने हेवनली एकेडमी के स्टोन टेस्ट को भी पास नहीं कर पाया था, जिसे सुनकर जूनियर और तैंग को इन लड़कों पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन सैंग इन दोनों को रोकते हुए कहता है कि चुपचाप यहाँ से बाहर चलो। और अब एक लड़की कहती है कि क्या यही है वो चेंग सैंग जो कि इस कैपिटल की होली गर्ल मिस जुई रोंग से शादी करने वाला है, लेकिन इसे तो देखकर ही पता चल रहा है कि इसने अभी तक अपने बेसिक ट्रेनिंग को भी पूरा नहीं किया है और इसके जैसे यूजलेस आदमी को तो मैं अपना नौकर रखने को भी तैयार नहीं होंगी, तो फिर भला मिस जुई रोंग से इसकी एंगेजमेंट कैसे हो गई। जिस पर वहाँ पर खड़े लड़के भी आपस में बात करने लगते हैं कि मेरे घर के पोछा मारने वाले की भी कल्टीवेशन इससे कहीं ज्यादा है, और ये कहकर सारे डिसाइपल सैंग के ऊपर हंसने लगते हैं, जिसे सुनकर तैंग कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन फिर से सैंग उसे रोक लेता है। लेकिन तभी पीछे से कोई कहता है कि अगर क्विंटन येन को जीतने वाला यूजलेस है तो फिर यहाँ पर मौजूद तुम में से कोई भी इस लायक भी नहीं है कि यूजलेस कहला सके। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर गुओ भी अपने भाइयों के साथ आ जाता है और फिर गुओ सबके सामने सैंग को ग्रीट करता है, जिस पर सैंग भी गुओ को ग्रीट करता है। और अब गुओ इस लड़की की तरफ से सैंग से माफी मांगते हुए कहता है कि ये लड़की अभी हमारी जूनियर है और इसीलिए इसे क्विंटन येन के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसकी वजह से इसे ऐसा लगता है कि तुम बस एक मामूली पर्सन हो। तब ये लड़की कहती है कि ब्रदर गुओ मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, ये पर्सन तो बस गार्बेज के बराबर है, जिस पर तैंग इस लड़की के एकदम करीब आके इसे घूरना शुरू कर देता है। तब ये लड़की सैंग से पूछती है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, जिस पर तैंग कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक ऐसे क्रिएचर को देखा है जो लोगों को उसके रैंक के आधार पर जज करती है, और आज मुझे यहाँ पर एक नई बात भी पता चली कि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है जिनसे किसी चीज के बारे में पूछो या फिर ना पूछो लेकिन फिर भी वो अपने बद्दे से शक्ल को लेके हर चीज पे अपना नाक घुसा के ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं। और तैंग यही पे नहीं रुकता है, वो आगे इस लड़की से कहता है कि सैंग और मिस जुई रोंग शादी करे या फिर बच्चे ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी तुम
ने इस बात के लिए सैंग को सबके सामने बेइज्जत किया और इससे ये साबित होता है कि तुम उन लोगों में से आती हो जिसे सारे लोग और ये क्या करते हैं सबके सामने इस लड़की को BITCH कह देता है, जिसे सुनते इस लड़की के तो होश उड़ जाते हैं और फिर वो रोते हुए कहती है कि मुझे तैंग 36 ने गाली दिया, जिस पर तैंग भी दोबारा कहता है कि हाँ मैंने गाली दिया, अब बताओ तुम क्या कर लोगी। अब ये लड़की और भी ज्यादा रोते हुए वहाँ से भाग के चली जाती है और अब गो कहता है कि तैंग 36 तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया, जिस पर तैंग कहता है कि अगर तुम लोगों का मन अभी भी नहीं भरा है तो फिर आओ और मुझसे फाइट करो। तब गो अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है और पता नहीं तैंग 36 को क्या सोचता है। वो चिल्लाते हुए वहाँ पर मौजूद सारे डिसाइपल से कहता है कि यहाँ पर मौजूद जिसने भी सैंग का मजाक उड़ाया वो सब के सब BITCH है, जिसे सुनते ये डिसाइपल भी कहने लगते हैं कि देखो अब इसने हमें भी गाली दिया। तब वहाँ पर मौजूद सारे डिसाइपल भी फॉर्म में आते हुए कहते हैं कि भाई ये भरोसे वाला आज बच के यहाँ से ना जाने पाए, जिस पर तैंग कहता है कि बस यही तो चाहिए था। और अब वहाँ पर मौजूद सारे डिसाइपल तैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिस पर अब तैंग का साथ देने के लिए जूनियन और सैंग भी मैदान में कूद जाते हैं, जिसे देख कर तैंग कहता है कि अच्छा तो तुम लोग भी मेरे साथ हो क्या। तब सैंग कहता है कि ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया तो अब भला मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन हाँ वो लास्ट वाला सेंटेंस बहुत ही ज्यादा गंदा था इसीलिए अब कभी भी उस तरह के वर्ड का यूज मत करना, जिस पर तैंग कहता है कि वो तो गलती से फ्लो में निकल गया था। और फिर तैंग सैंग के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि ये तुम मुझे क्यों सुना रहे हो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। और ये कहकर तैंग सैंग को भी एक गाली दे देता है, जिसे सुनकर एल्डर जिन कहते हैं कि ये लड़का नहीं सुधरेगा। और अब चारों तरफ से सारे डिसाइपल इन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, जिस पर ये तीनों भी पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं इन सारे लोगों से फाइट करने के लिए। और अब माहौल गर्म हो ही रहा था लेकिन तभी ली पैलेस का ग्रेट बेल बजने लगता है, जिसकी वजह से जो जहाँ पे थे वहीं पे रुक जाते हैं। और अब सारे डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार ली पैलेस का ग्रेट बेल क्यों बज रहा है, लेकिन तभी ली पैलेस से अनाउंसमेंट होता है कि सैन क्लाउड में जूनियन का रैंक 148 है, जो कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का स्टूडेंट है। और अब अपना नाम सुनते ही जूनियन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिस पर अब एक डिसाइपल कहता है कि क्या अब ली पैलेस सबके रैंक अनाउंसमेंट कर रहा है। अब आसपास के डिसाइपल भी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्या रैंक सिस्टम में कोई चेंजेस आई है, क्योंकि रैंक के अनाउंसमेंट तो ग्रैंड एग्जामिनेशन के बाद ही होता है। तब सैंग कहता है कि अब मैं समझा कि आखिर क्यों हमें सुबह वो हेवनली फ्यूनिक्स दिखा था, वो फ्यूनिक्स दरअसल इसी रैंकिंग सिस्टम के चेंजेस के मैसेज को लेकर आया होगा, जिसे सुनने के बाद तैंग जूनियन से कहता है कि चलो तुम पहली बार में ही रैंकिंग लिस्ट में आ गए। तब जूनियन भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैं अभी कभी इस बात को अपने क्लैन को बताना चाहता हूँ। तो गाइस रैंकिंग सिस्टम इस आधार पे तय होता है कि आखिर किस एकेडमी के किस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा है, और जिस एकेडमी के स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जितना ज्यादा अच्छा होगा उस स्टूडेंट का रैंक उतना ही ज्यादा कम होगा। और अब धीरे धीरे सारे एकेडमी के सारे स्टूडेंट का रैंक अनाउंस होने लगता है, जिसे सारे लोग हर जगह से सुन रहे होते हैं। और अब घटते घटते रैंक 36 पे पहुंच जाता है, जिस पर नाम अनाउंसमेंट होने से पहले ही सारे लोग तैंग की तरफ देखने लगते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।